الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حضرات و خواتین, گفتگو چل رہی تھی غزوہ خیبر کے بارے میں, سن 7 ہجری کا واقعہ ہے, اور یہاں تک بات پہنچی تھی कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर पहुँचे तो खैबर बड़ा लंबा चौड़ा हिस्सा था, काफ़ी किले उसके अंदर मौजूद थे. जो शुरुआत का उसका हिस्सा था उसको बोलते थे नतात. नतात के अंदर भी कई किले थे, तो अभी नतात के किले जो थे वो ज़्यादा मजबूत थे. और यहूदियों ने क्या किया था कि जो फर्स्ट किला था, किला नाइम, उसके अंदर पूरी ताकत अपनी लगा दी थी. यानी यूँ समझ लीजिए वो खैबर का दरवाज़ा था किला नाइन, और उसकी हिफाजत करने वाले जो लोग थे वो भी मशहूर पहलवाना उस वक़्त के यहूदियों के, मरहब, उसका भाई, ये बड़े बड़े लोग थे बिल्कुल, जिनके ताल्लुक से मशहूर था कि एक तरफ सौ आदमी भी हो जाए, एक तरफ ये लोग अकेले हो जाए तो काफ़ी, ऐसे लोग थे. और उनके पास हथियार भी बहुत ज़्यादा थे. तो बहरहाल पहले दिन की लड़ाई का तस्करा मैंने किया कि पहले दिन की लड़ाई में मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ, तकरीबन 50 मुसलमान जो है ज़ख्मी हो गए यहूदियों की तीरंदाजी. दूसरा दिन जब प्लेस चेंज किया गया, बात गुजर चुकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह नसीब फरमाएगा, और जो अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है अल्लाह उसके रसूल उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं. मतलब झंडा जिसको मिल जाए समझ लीजिए कि दलील हो जाएगी कि वो अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं. प्रूफ, यानी एक हिसाब से जन्नत का सर्टिफिकेट यही मिल जाएगी. उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी ओहदा मनसब का लालच नहीं किया, लेकिन उस दिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर हुई कि ये झंडा मुझे मिल जाता तो अच्छा है. खैर, अल्लाह अल्लाह करके रात गुजरी, सारी रात लोग गुफ्तगू करते रहे इसी बात पर, कल झंडा किसको मिलेगा, झंडा किसको मिलेगा. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद बोले, सब जब आप वसल्लम के चेहरे की तरफ लोग देख रहे हैं कि किसके किसका नाम लिया जाने वाला है, झंडा किसको मिलेगा, आप वसल्लम ने कहा कि अली कहाँ है, अली कहाँ है रज़ी अल्लाह ताला. लोगों ने कहा कि उनकी आँख आई हुई है. आँख आने का मतलब समझते हैं, अभी हाल ही गुजरा हुआ महीना, पूरा मौसम ही चल रहा था, सबकी आंखें सुर्ख हो रही थी, तो आंख आई हुई है ना, यानी वो सुर्ख हो गई आंखें, आंखों में परेशानी है, तकलीफ है. तो आप सल्लम ने कहा बुला कर लेकर आओ उनको, बीमार थे वो, उनको बुला कर लाया गया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर अपना लुआब लगाया और उनकी आँख से सारी तकलीफ दूर हो गई, ख़त्म हो गई. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झंडा औकाब उनके हाथ में दिया, मेन झंडा होता फौज का, वो झंडा उनके हाथ में दिया. यानी यूँ समझ लीजिए कि उस वक्त लड़ने के लिए जो फौज जा रही है वहाँ जो है वो निगरानी करेंगे, वही लड़ाएंगे. मेन सिपहसालार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर अली रजी अल्लाह तआला को जाएगा और अली रजी अल्लाह तआला बाकी लोगों को ऑर्डर देंगे. मेन झंडा उनको दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अली, पीछे मुड़े बगैर तुम जाओ और अल्लाह तुम्हें फतेह नसीब फरमाए. और आप सल्लम ने यह भी कहा, अली रजी अल्लाह तआला ने दरअसल एक सवाल किया, वो भी मुड़े बगैर, आप सल्लम ने कहा ना कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो वो इतने ज़बरदस्त फॉलो करते थे आप सल्लम की बातों को कि एक सवाल उनको पूछना था तो पीछे मुड़े नहीं कि पीछे मुड़कर पूछें. हालांकि नॉर्मल आदमी जब कहता है पीछे मुड़कर नहीं देखना इस सिचुएशन में, तो उसका मतलब होता है कि खूब मेहनत से लड़ना, बहादुरी से लड़ना, उसका मतलब ये होता है. लेकिन अली रजी अल्लाह तआला ने आप सल्लम के ऑर्डर को इतनी शिद्दत से फॉलो किए कि जब अभी जा रहे हैं आपको एक कोई सवाल पूछना है आप सल्लम से, तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि नबी थोड़ी देर पहले बोले पीछे मुड़ना नहीं, पीछे नहीं मुड़े, बल्कि ऐसे ही सामने देखते हुए पूछे, या रसूलुल्लाह सल्लम किस बात पर उनसे जिहाद करूं,
किस बात पर उनसे जिहाद करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो ये माने कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और सुनो अली, अगर तुम्हारी वजह से किसी एक को भी हिदायत मिल गई तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँट से बेहतर है। उसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही थी। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए किला नाइम के सामने, एक पत्थर पर जो है झंडा गाड़ा, और जो है फिर उनको जो शुरू की बातें होती हैं इस्लाम की दावत देना, तमाम चीज़ें वो पेश की उनके सामने जो जंग से पहले किया जाता है। उन लोगों ने कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, गुफ्तगु ख़त्म हुई, अब किले का दरवाज़ा खुला, और पहले की तरह जिस तरह पहले दिन वो लोग अचानक जो है झुंड की शक्ल में निकलते, हमला करते, वापस चले जाते, इसी तरीके से मरहब का भाई हारिस जो है वो आया, बाहर निकला और इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसने वार किया कि मुसलमान इधर उधर बिखरने लगे, मतलब भागने ही नहीं लगे लेकिन पीछे हटने लगे, यानी इधर उधर होने लगे। इतना ज़बरदस्त तरीके से उसने हमला किया। अली रज़ी अल्लाह तआला के सामने पहुँच गया लड़ते हुए। अली रज़ी अल्लाह तआला से जब मुकाबला हुआ तो अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, उसका काम तमाम कर दिया। अब जब जिसकी मातहती में निकले थे ये लोग, वो जब मारा गया तो फिर पीछे हटे, दरवाजे के अंदर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अच्छा, थोड़ी देर के बाद फिर मरहब निकला, भाई ख़त्म हुआ ना, तो अब मरहब निकला। मरहब मेन लीडर था उस किले का, और ये कहते हुए निकला, वो अक्सर ये शेर कहता था जब भी किसी से लड़ाई होती थी, क्योंकि मशहूर पहलवान था, लड़ाकू था, तो कहने लगा, कद अलिमत खैबरु अन्नी मरहबू शाक इस्सिलाही बतलुम मुजर्रबू इदल हुरूबू अकबलत तलहबू। खैबर वाले जानते हैं मैं मरहब हूँ, जो एक हथियार बंद बहादुर और तजर्बाकार सूरमा है, जब जंग की आग भड़क उठती है तो मैं बहुत बहादुरी दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ क्या चीज़ हूँ। ये कहते हुए वो निकला, मतलब मुबारकत देने लगा, ललकारने लगा, कोई है आए मुकाबला करने के लिए। पहले लोग लड़ाई जो करते थे ना, वो जब मंजर अपने जहन में लेकर आओ तो वाकई में वो लड़ाई होती थी, उसमें वाकई में बहादुरी होती थी। अब तो सब दिमाग का खेल होता है, पहले वाकई में सब कुछ फेस टू फेस सामने सामने रहता था, दुश्मन सामने आकर ललकार रहा कि कोई है मुझसे लड़ने वाला, आए पहले अगर दो दो हाथ करे ज़रा। अली रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़े, अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैती गाबातिन करीहिल मंज़रा औ फीहिम बिसाई कैल सनदरा। इन्होंने जो है अली रज़ी अल्लाह तआला ने भी अशार कहे, अशार उसने कहे थे ना, इन्होंने भी जवाब दिया, कहा मैं वो हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं जंगलों के शेर की तरह खौफनाक नज़र आता हूँ, मैं उनके लिए सा के बदले नेज़े की नाप पूरी करता हूँ। वो जो सा नापने वाला होता है ना, तो जो सा वाले से मुझे नापता है ना, मैं उसको नेज़े से नाप देता हूँ, मैं वो हूँ। बहरहाल दोनों में लड़ाई शुरू हुई। अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने ऐसा वार किया कि मरहब का भी खात्मा हो गया। किस्सा मुख्तसर है ना, मरहब भी ख़त्म हो गया। उस लोहे की पूरे वो जिसको ज़िरह बोलते हैं ना, कपड़े का पूरा पहने हुए था, वो काटते हुए तलवार दो टुकड़े कर दी उसको, सही मुस्लिम की हदीस है। और फिर उसके बाद फौज भागी यहूद की, किला बंद, वापस किले फिर डोर के अंदर। अच्छा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने मरहब को कत्ल कर दिया, लेकिन अब भी किला नाइम फतेह नहीं हुआ, क्योंकि एक के बाद एक निकल रहे थे लोग। अच्छा, हुआ क्या कि यासिर जो मरहब का भाई एक था, वो पहले हारिस ख़त्म हुआ, मरहब ख़त्म हुआ, अब यासिर, ये तीन पहलवाना खास थे, यासिर अब ये दिफा कर रहा था, अपने मातहती में फौज को लड़ा रहा था। वो यासिर गुस्से में, क्योंकि दो भाया ख़त्म हुए ना, अब जाहिर सी बात है जिसका भाई ख़त्म होगा कोई भी हो तो गुस्से में आएगा, गुस्से में बाहर निकला फौज को लेकर के। लेकिन उसने अपना नेज़ा, क्योंकि वो लोग अपनी ताकत समझते थे हम बहुत ताकतवर हैं, अपना नेज़ा सा ज़मीन पे गाड़ा और उसके बाद कहने लगा, आओ कोई लड़ने के लिए मुझसे, आओ मुकाबला करने के लिए। तो उसके मुकाबले के लिए सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में निकले। अब सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, ये आप ससलम के रिश्तेदार होते थे। दरअसल आप ससलम की एक पुप्पी थी ना, सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके बेटे थे। सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खैबर में थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही थी। कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत पहलवान है, मेरे बच्चे को मार देगा क्या, मेरे बच्चे को,
नॉर्मल सी चीज़ तो है नहीं, क्रिकेट तो नहीं खेल रहे थे भाई, चलो थोड़ी सी बॉल लग जाएगी। यहाँ जिंदगी और मौत की बात थी ना, माँ है बच्चे को लड़ते हुए देख रही है कि बच्चा या तो जिंदा रहेगा या खत्म हो जाएगा। आप सोचिए वो माएँ कैसी थी। इसीलिए जितनी फजीलत सहाबा की है ना, वैसी फजीलत सहाबियात की। बेशक सहाबा जाकर के मैदान जंग में लड़ते थे, लेकिन जो अपने शौहरों को भेजती थी, अपने बच्चों को भेजती थी, अपने जिगर गोशों को भेजती थी, उनका ईमान कम नहीं था। अल्लाह उसके रसूल से वो कम मोहब्बत करने वाली नहीं थी। आज की माओ को देख लीजिए कितने मामलात में उनके लाड प्यार ने बच्चों को बिगाड़ दिया होता है ना, उनके लाड प्यार ने उनके बच्चों को बिगाड़ दिया होता है कितने सारे मामलात के अंदर। वो अपने बच्चों को जो है मैदान जंग में भेजती थी। कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क्या मेरे बच्चे को मार देगा, वो ख़त्म कर देगा? तो आप सल्लम ने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह आपका बच्चा ही मार देगा उसको, फिक्र मत करो। इंशाल्लाह आप ने क्या कहा, इंशाल्लाह, समझने की बात है। इंशाल्लाह नबी हैं फिर भी इंशाल्लाह है ना, कि अल्लाह के चाहने से इंशाल्लाह। और हम लोग हर बात में बस हो जाएगा, कोई टेंशन की बात इंशाल्लाह कहते नहीं। इंशाल्लाह कहना चाहिए है ना, इंशाल्लाह कहना चाहिए। आप सल्लम ने कहा इंशाल्लाह आपका बेटा उसे कत्ल करेगा। और सही बात हुई, थोड़ी देर गुजरी थी कि ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने यासिर का काम तमाम कर दिया। अब कोई बड़ा लीडर किले की दिफा में नहीं था। हाँ, कुछ छोटे छोटे लीडर थे, कमांडर्स थे उनके, यहूद के, जैसे कि जो है आमिर उसैर, दो कमांडर खास थे। ये दोनों लोग जो है कमांडर जो है निकले फौजों को लेकर के, और अली रज़ी अल्लाह तआला ने आमिर को और मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला ने उसैर को ख़त्म कर दिया। और यहूद किले में चले गए, किले में दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। आखिरकार मुसलमान उस दरवाज़े को खोल करके, क्योंकि उस वक़्त दरवाज़ा तोड़ने के बहुत सारे तरीक़े थे, बहुत सारे तरीक़े थे, बड़ी स्टिक मोटी होती थी है ना, उससे जाकर टकराते थे उस तरीके से, बहरहाल लेकिन उसमें टाइम लगता था। और खोले और फिर उसके बाद अंदर चले गए। लेकिन जब अंदर पहुँचे तो वहाँ पर कोई यहूदी नहीं था, किला पूरा खाली था। किला पूरा जो है खाली था, अभी बाद में बताऊँगा कि क्या हुआ था असल में, वो पूरा किला खाली था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का तस्करा करना मुनासिब समझता हूँ। आमतौर से आप हों या मैं हूँ, मैं भी बचपन से यही सुनते हुए आया, खैर अभी ये चीज़ मेरे सामने नहीं आई है, आएगी तो ज़रूर बताऊँगा। मेरे मुताले में ये चीज़ नहीं आई, मैं वो दलील देख रहा हूँ, नहीं मिल रही है दलील, कि अली रज़ी अल्लाह तआला ने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ा था। एक बहुत मशहूर बात है ना कि किले का दरवाज़ा उखाड़ा था, लेकिन वो उखाड़ने वाली बात जो है वो सही तरीके से सही सनदों के साथ नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आगे, लेकिन मेन तो यही लड़ाइयाँ हुई थी, यहाँ कहीं नहीं है तस्करा, हो सकता कहीं आगे होकर आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि दरअसल वो एक किनाया है, मतलब कुछ कह करके मुराद कुछ लिया जाता है, क्योंकि किला नाइम को मेन फतेह करने वाले अली रज़ी अल्लाह तआला ने, और जो सिलसिलावार यहूद के किले थे खैबर में, यूँ समझ लीजिए कि किला नाइम डोर की हैसियत रखता था, एक दरवाजे की हैसियत रखता था, और सबसे मजबूत दरवाजे की हैसियत रखता था, इसीलिए सबसे ज़्यादा ताकत किले नाइम के पास थी। और जब इसको फतेह किया तो मतलब ये कि खैबर का दरवाज़ा टूट चुका है, अब आगे इससे कम मुश्किलात आएंगी। और फर्स्ट दरवाज़ा यानी तोड़ने वाले, फर्स्ट किला फतेह करने वाले कौन? अली रज़ी अल्लाह तआला ने, इसलिए ये बात कही गई। वल्लाहु आलम। बहरहाल तकरीबन 15 दिन लगे किला नाइम को फतेह करने में, 15 दिन। इसमें घमासान की लड़ाई हुई है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाई यही इसी किले में हुई थी, और बड़े बड़े बहादुर यहूदियों के इसी किले में मारे गए थे, इसी किले की दिफा में मारे गए थे। मुसलमान भी काफ़ी ज़ख्मी हुए थे इस किले को फतेह करने में, जैसा कि मैंने पहले कहा 50 लोग तो तीरंदाजी में ज़ख्मी हो गए थे, फिर उसके अलावा 3 मुजाहिदीन, महमूद बिन मुस्लिमा, आमिर बिन सनान बिन अकवा, और हबशी ग़ुलाम एक था, उसने जाम शहादत नोश फरमाया। मुसलमान भी इसमें शहीद हुए, बहुत सारे ज़ख्मी हुए। अब आगे बात सुनिए कि ये जब डोर खोल करके मुसलमान अंदर गए तो हु का आलम सब गायब, कहाँ चले गए? दरअसल यहूद ने प्लान बी भी रखा था, जो लड़ रहे थे वो प्लान ए था, मगर इसके पीछे उन्होंने प्लान बी तैयार कर रखा था। उनका प्लान बी ये था कि अगर किला नाइम हमारे हाथ से जाता है, हम शिकस्त खाते हैं, तो खुफिया तरीके से, खुफिया दरवाजे से, खुफिया रास्ते से हम तमाम को लेकर के दूसरे किले में शिफ्ट हो जाएंगे।
और उन लोगों ने ऐसा ही किया कि जब तक मुसलमान किले में दाखिल होते तब तक वो लोग सबके साथ दूसरे किले में शिफ्ट हो चुके थे। उस किले का नाम था किला साब, साब किला, साब अंबा किला साब, उसमें लोग जो है शिफ्ट हो गए। मुसलमान अंदर गए, कुछ भी नहीं था। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ करके किला साब का जो है मुहासरा कर लिया, घेर लिया। अब किला है, जाहिर सी बात है, किले आमतौर से हम देखते हैं, यही आप एक मिसाल ले लीजिए, किले कैसे बने हुए रहते हैं, है ना, ऊंची जगह पर बने हुए रहते हैं, पत्थर रहते हैं, है ना। और उस वक्त का दौर सोचिए, आपकी सबसे बेहतरीन हथियार तीरंदाजी होती थी, मुसलमानों के पास यही था एक तीरंदाजी। उधर से अगर तीर फेंकेंगे ऊपर से नीचे, और खैबर वाले तो माहिर थे तीरंदाजी में, ऊपर से उनको ये फ़ायदा था कि ऊपर से नीचे फेंकना है, और मुसलमानों को नीचे से ऊपर फेंकना है, तो जाहिर सी बात है हर लिहाज से उनके पास ज़्यादा ताकत थी। तो बहरहाल घेर लिया गया और तीन दिन के अंदर ये भी किला फतह हुआ था। लेकिन तीन दिन समझ लीजिए बहुत मुश्किलात हुई थी इसमें, किला साहब के फतेह करने में 15 दिन तो नहीं लगे, लेकिन इन तीन दिनों के अंदर भी क्या क्या हुआ था वो ज़रा सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें झंडा जो मेन दिया था वो सैयदना हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाह तआला को दिया था। किला नाइम में किसको दिया था? अली रजी अल्लाह तआला को। इसमें हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाह तआला को झंडा दिया। अच्छा, यहूद अंदर आराम से बैठे हुए किले के अंदर, और राशन के उनका कोई टेंशन नहीं है, वो लोग पहले से इंतजाम करके रखे हुए थे। लेकिन मुसलमान बाहर गर्मी में झुलस रहे हैं। अच्छा, बाहर के हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं है, बारिश वगैरह ज़्यादा हुई नहीं थी। दूसरी चीज़, जो किले से बाहर दरख्त वगैरह थे ना खजूरों के या दीगर चीज़ों के, वो अभी पके नहीं थे, पूरे कच्चे कच्चे थे, यानी मौसम ही वही था कि अभी जो है कच्चे कच्चे थे, पके हुए नहीं थे। और मुसलमानों का आलम यह था कि मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों के पास इतना राशन होता नहीं था कि फुल लेकर के जाएं, और 15 दिन गुजर ही चुके थे, सफ़र करते हुए गए थे, फिर 15 दिन वहाँ रुके थे, तो जो कुछ था वो ख़त्म हो चुका था। अब भूख से तड़प रहे थे मुसलमान, कुछ है नहीं खाने के लिए, और जंग लड़नी है, पहरेदारी करनी है, दुश्मन पर निगाह रखनी है ना। हमारे पास तो ऐसा नहीं कि भाई रोज़ा रखे रहो तो चलो चद्दर तान के सो जाओ, एसी ऑन करके सो जाओ, कूलर ऑन करके सो जाओ आराम से, है ना। कभी कभी असर की नमाज भी गायब हो जाए, जब इफ्तारी का टाइम आए तो जगाओ कि भाई भूखे हैं ना, अब चलो खा लो, उसके बाद सब कुछ मौजूद है, बस टाइम होते ही, अजान होते ही शुरू रेस, उसके बाद जो खाएं तो फजर में ही फिर रुकें। ऐसा भी नहीं था, उनके पास कुछ था ही नहीं खाने के लिए, भूखा रहना और लड़ना भी है, आराम नहीं, जंग का मैदान है वो। बहरहाल भूख की शिद्दत में बहुत सारे काम हुए मुसलमानों से, बहुत सारी चीज़ें, चंद वाक़या सुनी। एक वाक़या ये हुआ कि मुसलमान जो है तड़प रहे हैं भूख की वजह से। पहले गधे का गोश्त जो होता है ना, घरेलू गधा जो होता है नॉर्मल हम देखते हैं, ये गधे का गोश्त अभी तक हराम नहीं हुआ था। किले से अचानक एक छोटे डोर से मुसलमानों ने देखा कि बहुत सारे 15-20 गधे बाहर निकल रहे हैं। जब वो किले से निकलते हुए दौड़ते हुए मुसलमानों तक पहुँचे तो लोग पकड़ लिए, पकड़ करके गधों को ज़बे किए, हंडी चढ़ा दिए कि चलो अब खाने को तो मिल गया, अब हम खाएंगे, हम जो है खाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवाया, कहा कि देखो अब गधे का गोश्त हराम हो गया है, गधे का गोश्त नहीं खा सकते। अब सोचिए आप कि अल्लाह की मंशा, अल्लाह की मर्ज़ी, इम्तिहान कि अगर एक दिन के बाद होता तो अलग बात थी, भूख मिट जाती थी, लेकिन नहीं, इसी सिचुएशन में हुरमत की बात आ गई, नबी ने कहा कि गधे का गोश्त हराम। अब हम जैसे लोग होते, भूख की शिद्दत है तो कुछ ना कुछ हल निकाल लेते, हाँ हम लोग निकाल लेते हैं ना। अगर कहा जाए कि भाई बहुत ज़्यादा जो फजूल खर्ची कर रहा अपने दावत में, न कोई शरीक हो, बैंड बाजा बजा रहा, न कोई शरीक हो ऐसे दावतों के अंदर, गलत नीयत से रस्म व रिवाज वाली दावतें कर रहे हैं, न कोई शरीक हो, तो हम क्या बोलते हैं? अरे मौलाना उत्ता कौन सोचने आता है, बिस्मिल्लाह बोलकर अल्लाह का नाम बोल के खा लेना चाहिए, है नहीं? कुछ ना कुछ तो हम निकाल ही लेते ना, कुछ ना कुछ आइडिया। नहीं मौलाना, वो अपने हैं, नहीं गए तो गुस्सा हो जाते, रिश्तेदारी टूट जाती, मुख्तलिफ हमारे पास बहाने रहते। सहाबा ऐसा कुछ बहाने नहीं, नबी का हुक्म आया, हंडियाँ उलट दी गई,
बल्कि साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो धुल करके अच्छे से हंडिया रखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ ऐसा भी कर लो, बहुत अच्छे से साफ कर लो, वो बहुत अच्छे से साफ करके फिर साफ अप करके रख दिया गया। फिर वैसे तड़प रहे हैं भूख से, थोड़ी देर पहले जो खुशी मिली थी कि कुछ खाने को मिलेगा वो भी ख़त्म हो गई। ऐसी सिचुएशन में जबकि जंग का मैदान हो तो जंग में कुछ चीज़ें जायज़ हो जाती हैं, आम सी जिंदगी में जो चीज़ें नाजायज़ होती हैं मगर जंग के मैदान में जो बहुत सारी चीज़ें जायज़ होती हैं। जैसे जंग के मैदान में झूठ जायज़ है ना, आप जो है सामने वाले को दिखाओ कुछ करो कुछ, भाई जंग का मैदान है ना। हाँ कुछ सुलह हो रही है, कुछ बातचीत हो रही है, तो वो अहदो पैमान जो होता है उसको निभाना वो ज़रूरी होता है, लेकिन दुश्मन को अपनी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देना होता है। दुश्मन को ऐसा भी करना रहता है कि आप पीछे हट रहो पीछे हट रहो, दुश्मन समझ रहा है कि ये हार रहे हार रहे हार रहे हार रहे, और फिर उसके बाद अपनी फौजों को दूसरी तरफ आप बिठाए हुए हैं झाड़ियों के पीछे, जब वो आपके आता है चंगुल के अंदर अचानक इशारा करते हो, इधर से आप आगे बढ़ते हो, उधर से वो फौजें घेर लेती हैं, बीच में दुश्मन को लाकर ख़त्म कर देते हो। उसको लग रहा था कि आप भाग रहे हो मगर आप चाल चल रहे थे। तो ऐसे ही एक चीज़ क्या हुई वहाँ पर सिचुएशन में कि एक यहूद की बहुत सारी बकरियाँ जो है वो किले के बाहर थी, मगर वहाँ जाना आसान भी नहीं था क्योंकि किलों पर तीरंदाज थे, ऐसा बना रहता ना, उसके पीछे पीछे बैठे रहते पूरे तीरंदाज, यही तो मुश्किल था ना कि मुसलमान मारे तो कैसे मारे, मुसलमान तो दिख रहे थे मगर वो लोग छुपे हुए थे। अब वहाँ से कोई बकरी लेकर के आना वो आसान काम नहीं, आम हालत में ऐसा करना गलत है, चोरी हो जाएगी डाका हो जाएगा, मगर जंग का मैदान है इसमें दुश्मन को जितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सको उतनी ज़्यादा बहादुरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है जो बकरी लेकर के आए वहाँ से, चैलेंज कौन है जो बकरी लेकर के आए। अब समझ लीजिए तीरों की बारिश में बकरी लेकर के आना है। एक सहाबी थे अबुल यसर बोलते थे, नाम काब बिन अमर अंसारी सहाबी थे, बदरी सहाबा में से, बैत उकबा वगैरह में भी ये शामिल थे, बहुत पहले के सहाबी यानी साबकुन अव्वलून में से। ये बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ख्वाहिश है तो मैं ही जाता हूँ लेकर के आता हूँ। तो आपने कहा ठीक है जाओ। ये अब देख इन लोगों की बहादुरी देखो, मैं जब पढ़ता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ कि आज जा करके जो लोहे उठा उठा करके ऐसा ऐसा करते हैं, उसके बाद एक घंटा करने के बाद एक घंटा देखते हैं ऐसा ऐसा कि मतलब कितना हुआ है हमारा ना, है ना। वो सचमुच बहादुर थे, है ना। कहीं मौका आ जाए कि भाई आपको जरा रमज़ान के महीने में हाफिज साहब एक पारा पढ़ा रहे हैं खड़ा हो जाए तो उन्होंने भी शिकायत करने लगते हैं, बिल्डर लोग भी, मुख्तसर ही अच्छा है, कुरान ख़त्म करना ज़रूरी थोड़ी है ना, अरे बॉडी बनाए रहते हैं मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं, इबादत में लंबा क़याम नहीं या कोई और दीन की बात नहीं, है ना। वो लोग सचमुच बहादुर थे। आप सोचिए आप इतने मतलब अच्छी एज के सहाबी, हिम्मत भी देखिए और जिस्म की ताकत भी देखिए ना, कि वो गए और दो बकरियाँ वो तीरों की बारिश में दो बकरियाँ आजू बाजू ऐसा रख करके ना अच्छा भागते हुए लेकर के आए दो बकरियाँ, दो बकरी। अब सोचिए हम लोग एक बकरी याद करो ज़रा कुर्बानी के मौसम में एक का संभालना बोलते हैं बाजू वाले के, तू भी बकर पर संभलने में नहीं आ रही बकरी, है ना। और बच्चों को मिला लेते हैं कि अच्छे से पकड़ो पकड़ो अच्छे से, और वहाँ वो दो बकरियाँ ऐसे उठाकर भागते हुए लेकर के चले आए। आप ससुर के पास आकर उसको ज़बह किया गया, है ना। लेकिन दो बकरियाँ इतने सारे लोगों में कहाँ काफ़ी होंगी, नहीं काफ़ी हो सकती। बहरहाल ये वाक़या जब भी बयान करते थे ना, ये बदरी सहाबा में सबसे आखिर में वफात पाने वाले यही सहाबी हैं अबुल यसर रज़ी अल्लाह तआला, तमाम बदरी सहाबा में सबसे आखिर में यही वफात पाए, यही जो है दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन सन 55 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। जब ये वाक़या लोगों के सामने बयान करते तो रोते थे, बोलते थे कि अल्लाह ने उस दिन मुझसे एक काम लिया, हालांकि जंगे बदर में भी शरीक हुए, इतनी बड़ी फजीलत वाली बात, मगर उसको नहीं याद करते थे। वो एक नबी को भूख लगी थी और मैं ला करके बकरी खिलाया और जंग के मैदान में जो है दुश्मन से छीन करके लेकर के आया, तो वो कहते थे कि उस दिन मैं काम में आया अपने साथियों के, मेरी वजह से कुछ तो उनको खाने को मिला उस दिन, रोते थे। वैसे सबसे आखिर में जो सहाबी जो है इस दुनिया से रुखसत हुए सबसे आखिर में, ये तो बदरी सहाबा में से 55 हिजरी में, 100 हिजरी या 115 हिजरी इसमें इख्तलाफ है, आमिर बिन वाथला लैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सबसे आखिरी सहाबी हैं वफात पाने वाले। एक वाक़या और भी हुआ कि सहाबा जो है भूख से निढाल थे तो दरख्तों पे जो कच्चे फल लगे हुए थे ना वो तोड़कर खाने लगे,
तो कच्चा फल खाना वो नुकसानदेह है सेहत के लिए, जाहिर सी बात है, एक सिस्टम है ना, अल्लाह ताला ने रखा है एक सिस्टम रखा, भी फल पक जाए उसके बाद खाना है, यानी तब वो खाने के लायक होते हैं। अभी कच्चा है तो समझ लीजिए कि वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो अब साहब भूखे थे, जो कुछ कच्चा पक्का मिल रहा था वो सब तोड़कर खाने लगे, तो सबको बुखार हो गया, सब बीमार पड़ने लगे। आप ससलम को मालूम हुआ तो आप ससलम ने कहा कि मुश्केज़ों में पानी ठंडा करो, है ना, पानी ठंडा करो और फजर के वक्त जो है ना वो ठंडे पानी से नहाओ पूरे लगो। ऐसा किया उन्होंने उस ठंडे पानी से, यानी पानी ठंडा करके, अब जो भी उस वक्त तरीका रहा हो वो ठंडा करके फिर उससे नहाया, तो तमाम लोग माशाल्लाह सेहतियाब हो गए। ये आप ने उस वक्त इलाज किया, यानी बुखार का इलाज पानी से आप ने किया। एक वाक़ और भी मिलता है कि अब्दुल्ला बिन मुगफ़ल रज़ी अल्लाह तआला एक सहाबी हैं, ये एक जगह यानी किले को घेरे हुए थे ना, तो एक जगह ये ठहरे हुए थे, तो अंदर से एक थैला बाहर गिरा। अब किसी ने शायद जानवर वगैरह ज़बह किया हो, और जो है अब उन लोगों के पास, यहूदियों के पास हर चीज़ वाफर मकदार में थी, तो उन लोगों ने बाहर फेंक दिया एक चीज़, और ये भाग करके गए उसमें क्या है थैले के अंदर, तो ये खोले तो देखे उसमें चर्बी है जानवर की, जानवर की चर्बी, फ्रेश जानवर की चर्बी, यानी किसी ने अंदर ज़बह किया, गोश्त गोश्त ले लिया और चर्बी निकाल करके बाहर फेंक दिया उसने किले से बाहर। किस्मत देखिए आप, ये चर्बी देखे इसमें चर्बी है, तो बड़े खुश हुए, बोल अरे चिल्लाने लगे एकदम खुश के, आज चीखने लगे, बोला ये मैं खाऊंगा किसी को नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा किसी को दूंगा ही नहीं, मैं खाली खाऊंगा, अकेले खाऊंगा मैं, अकेले वहां ठहरे हुए चिल्ला रहे कि मैं खाऊंगा किसी को दूंगा नहीं, मैं खा लूंगा पूरा खा लूंगा मैं, क्योंकि भाई भूखे हैं कई दिन से। उसके बाद खुशी में थैला उठाए, पीछे मुड़े तो देखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए, है ना। अब आप सोचिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या आलम होगा, शर्मिंदगी से सर उनका झुक गया कि मतलब मैं चिल्ला रहा था, है ना, आस असल में मुस्करा रहे थे। इतने में अब ये बेचारे थैला लिए हुए हैं ना, खुश हो रहे हैं, नबी तो मांगे नहीं, नबी खाली मुस्करा रहे हैं देख करके कि मतलब चर्बी का एक थैला मिल गया, तो इन्हों इतना खुश हो रहे हैं। इतने में एक सहाबी जो है जिनको जिम्मेदारी मिली थी, काब बिन अमर बिन जैद अंसारी रजी अल्लाह तआला, उनकी जिम्मेदारी थी कि जंग के अंदर जो माल गनीमत होता है, यानी दुश्मन का माल जो होता है माल गनीमत, उसको स्टोर करना है, वो उसके निगरान थे, उसके जिम्मेदार थे। उन्होंने देख लिया, उन्होंने बोले कि ठीक है ये चर्बी का थाला लाओ, मैं पूरे लोगों को बांट दूंगा, उन्होंने जिम्मेदार थे ना, मैं बांट दूंगा, तो इन्होंने बोले नहीं मैं नहीं दूंगा, इनकार किया इन्होंने, मैं नहीं दूंगा, मैं ही खाऊंगा, मैं नहीं दूंगा, तो उन्होंने थैला पकड़ लिया, उन्होंने बोले कि दो, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, दो। उन्होंने बोले नहीं मैं नहीं दूंगा। आखिरकार आप मुस्करा रहे खड़े होकर के, आप ने कहा वो सहाबी से, काबिन अमर से जो जिम्मेदार थे, कि जान दो लेकर के, है ना, छोड़ो जाने दो, दे दो। तो उन्होंने चले गए, अब नबी कह दिए ना, उन्होंने चले गए। तो अब ये गए अपने जो लोग थे, यानी अब जाहिर सी बात है 1400 सहाबे कराम हैं, तो हर शख्स तो 1400 लोगों के साथ नहीं रहेगा, हर एक की अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना जैसे, तो अपने ग्रुप के लोगों में जाकर इन्होंने बांट करके खाए अच्छे तरीके से। अच्छा, इससे ये भी मालूम हुआ कि खाने पीने के अशिया में खुम्स नहीं है, वो जो माले गनीमत में से पांचवा हिस्सा निकाला जाता था अल्लाह उसके रसूल के लिए, वो खाने पीने की चीज़ों में ऐसा नहीं निकाला गया। ये दलील है, अबू दाऊद अबू बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी रिवायतें जिक्र की। बहरहाल ये कुछ वाक़यात थे, चंद बातें और भी जिक्र करूँ। जब भूख से निढाल हो गए तो कुछ लोग आप सल्लम की खिदमत में आए बाकायदा बोलने के लिए, हालांकि नबी को पता था, मगर कहने के लिए, या रसूलुल्लाह सल्लम बहुत परेशान है, बहुत भूख लगी हुई है। तो आप सल्लम के पास भी कुछ नहीं था, आप सल्लम ने कहा कि मेरे पास भी कुछ नहीं है कि जो मैं आपकी भूख मिटा सकूं, हाँ मैं एक काम करता हूँ। आप सल्लम ने हाथ उठा दी, कहा या अल्लाह ताला जल्द ऐसे किले पर हमारी फतेह नसीब फरमा कि जिसमें खाने पीने की चीज़ बहुत हो, सब भूखे हैं ना, जल्द ऐसे किले पर फतेह नसीब फरमा जिसमें खाने पीने की चीज़ बहुत हो, ताकि लोगों के भूख जो है मिट सके। नबी ने हाथ उठा दी। इसके बाद जो है मुसलमान, अब कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं कि भी खाने का इंतज़ार करें, अब मुसलमान पूरी ताकत से लड़ने लगे। जो किला साब था उसमें जो है एक यहूदी पहलवान था यूशा, वो आया मुकाबले के लिए, हबाब बिन मुज़ीर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उससे फ़ाइट किया, उसका काम तमाम किया। फिर दयाल या जयाल नाम का एक बंदा था, वो आया लड़ने के लिए, अम्मारा बिन उकबा रज़ी अल्लाह ताला ने उससे फ़ाइट किया, उसका काम तमाम किया। दो बड़े बड़े सुरमा जब मारे गए किला साहब वालों के, तो वो लोगों ने तीरों की बारिश कर दी, और ख़ास तौर से उस एरिए में बारिश शुरू कर दी जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे।
सहाबा समझ गए कि ये लोग नबी को जो है टारगेट बनाए हुए हैं, तो सहाबा वहाँ ज़्यादा जमा हो गए, हर तीर का दिफा करने लगे, उनके हमले का नबी की हिफाजत करने लगे, और जो है बहुत ख़तरनाक तीरों की बारिश वो लोग किए। बहरहाल सहाबा जो है वो बहुत बहादुरी से लड़े, और इसमें कई सहाबी शहीद भी हुए थे। तकरीबन जो तस्करा मिलता है कि 3 सहाबा तो शहीद हो गए। एक थे अबू ज़य्याह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बदरी सहाबा में से थे। अदी बिन मर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी शहीद हुए। हारिस बिन हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी बदरी सहाबा हैं, ये भी शहीद हुए, ये शहीद हो गए। लेकिन फिर भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये किला मुसलमानों ने फतेह कर ही लिया। यानी कैसा भी कर गए, लड़ते हुए तीरों की बारिश में डोर तक पहुँच करके खोल करके अंदर दाखिल हो ही गए। इस जंग में यहूदी ज़्यादा मारे गए थे, मुसलमानों के बिलमुकाबिल यहूद जो है ज़्यादा मारे गए। और एक फ़ायदा और भी हुआ इस जंग के अंदर, इस किले को फतेह करने में, किला सारू हुआ ये कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने तस्करा किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी दी थी कि आप गश्त करते रहो, रातों में घूमते रहो, तो एक बंदे को पकड़ा, एक यहूदी को, सम्माक नाम था उस यहूदी का, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल जवाब किया तो उसने बहुत सारी बातें बताई। उसने कहा कि आप पहले मुझे अमान दो, मेरी जान की हिफाजत, तो मैं बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें यहूद के किलों के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, अमान दी जाती है। तो उसने बहुत कुछ बताया, उसने कहा कि आप जो किला नाइम फतेह किए उसकी वजह से यहूद की हिम्मत टूट चुकी है। यानी पहले जो उनके अंदर जोश था, जो जज्बा था, जो हिम्मत थी कि मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, नथिंग, कुछ है ही नहीं मुसलमान, तो अब वो जो है ही नहीं मुसलमान ना, वो तस्वूर चला गया दिमाग से। यानी अब समझने लगे कि नहीं नहीं मुसलमान आए, अब उनके दिमाग में आ गया है कि हाँ अब इनसे टक्कर लेना बहुत मुश्किल है ना, तो अब वो लोग डरे हुए हैं, है ना। और कल जब आप किले में दाखिल होंगे, इस किले के अंदर, यानी ये फतेह होने से, किला साहब के फतेह होने से पहले की बात है, उस रात की बात है जब सुबह फतेह की। कल जब जो है आप किले में दाखिल होंगे, और आप ज़रूर दाखिल होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंशाल्लाह। ये सुनकर के उस यहूदी ने भी कहा कि हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना, आप ज़रूर दाखिल होंगे, तो मैं आपको बहुत सारी जगहें बताऊंगा जहां पर यहूद ने तलवार छुपा करके रखा है, हथियार छुपा कर रखा है, बड़े बड़े तोप, दबाबे, सब असलहा छुपा करके रखा है, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने ज़मीन के अंदर रखी। तो जब वाकई में मुसलमान जब अंदर दाखिल हुए ना, तो वो तमाम जगहें उसने बताई, और बहुत हथियार मिले, किला साहब से बहुत हथियार मिले, दबाबे, टैंक, उस दौर में, उस दौर के जो लकड़ी के बने हुए होते थे, यानी जिनके अंदर बैठ करके लोग किलों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, ऊपर बारिश होती रहे, तीरों की फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे आजकल क्या होता है ना, हमला करने के लिए लंबा होता है, चैन टाइप का लगा होता है, तो उस वक्त दूसरे टाइप के होते थे, बस यही होती थी चीज़। ये हथियार रूम ईरान के पास होते थे, ऐसे छोटे छोटे लोगों के पास होते नहीं थे, सुपर पावर के पास सिर्फ ये हथियार होते थे। मगर यहूद के पास इन हथियारों का होना, इसकी दलील है, मैंने पहले भी कहा था कि यहूद तैयारी कर रहे थे बाकायदा मदीना पर हमला करने के लिए, वो तो अल्लाह का कर्म हुआ कि मुसलमानों ने पहल की, वरना वो लोग उधर से तैयारी बिल्कुल कर रहे थे, वरना इतने बड़े बड़े हथियार वहाँ रखने की ज़रूरत क्या थी। तो बहरहाल इस जंग के अंदर बहुत सारा हथियार मिला, असलहा मिला, तलवार, मिंजनीकें, और इसी तरीके से खाने पीने की चीज़ भी बहुत मिली थी इस किले के अंदर, जो मुसलमान चाहते थे, बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ मिली। आप सल्लम ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि जिसको अपने जानवर के लिए, अपने लिए कितने खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है वो ले ले, बाकी जमा कर दे, जितनी ज़रूरत है उतनी ले ले, बाकी जो है जमा कर दे, ज़रूरत के मुताबिक ले ले। यमनी कपड़ों के 20 गट्ठर मिले, यमन के कपड़ों के अच्छे कपड़े होते थे, यमनी कपड़ों के 20 गट्ठर मिले, 1500 चादरें मिली, 1400 साहबे कराम थे, कितनी चादरें मिली, 1500 चादरें मिली, सबको आ गई, बच भी गए, एक एक चादर सबको मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे आजकल के दौर के हिसाब से, वो एक चादर बड़े चीज़ थी भाई, एक चादर के मिलना बहुत बड़ी बात थी। हम लोग ना ज़रा सा कपड़े में सुराख हो जाए तो ये रिटायर, कितने चकतियाँ, कितने पैबंद लगे होते थे गिन नहीं सकते सहाबा के कपड़ों में। हमारे पास आज ज़्यादा है, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पाते और नाकदरी करते हैं। उनके पास थोड़ा था मगर अल्लाह का शुक्र इतना करते थे कि थकते नहीं थे। हमारे पास आज है कि 3 टाइम का खाते, वो कई कई दिन का भूखे होकर के भी जब खाते थे कहते थे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिलाया है ना। तो वो चादरों का मिलना बहुत बड़ी बात थी, बड़ी खुशी की बात हुआ करती थी। बहरहाल सबको मिले, हर मुजाहिद को मिले, और इसके अलावा
शराब के मटके मिले। यहाँ एक बात गौर से सुनिए, शराब के मटके, पुरानी शराब। कहते हैं शराब जितनी पुरानी हो उतनी ज़बरदस्त। सहाबा ने मटके पूरे तोड़ दिए। बस एक सहाबी ऐसे थे उसमें, उनकी वीकनेस थी शराब, होते हैं ना, कि वो बाज नहीं रह सके, इतनी अच्छी शराब इतनी पुरानी पी लिए। हालांकि उन्होंने छोड़ने की कोशिश कर रहे थे मगर मिल गई तो पी लिए। अब शराब जब पिए तो जाहिर सी बात है उनको तमाम मुसलमान जो है जो भी मिले मारे, है ना, मारे हाँ, कि जो है शराब तुमने पी है, शराब तुमने पी है, शराब तुमने पी है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तो बोले कि अल्लाह इस पर लानत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, मार की बात ठीक है भाई, उसको थोड़ा पनिश दो, गलती की है उस बंदे ने, लेकिन जब लानत की बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं उमर, नहीं नहीं नहीं, गलत बात, लानत मत करो। लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूरी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम जो लानत एक दूसरे पर करते हैं ना, आप समझते नहीं है, लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूरी, और अल्लाह की रहमत से जो दूर हो गया वो जन्नत कभी नहीं पा सकता, क्योंकि आपके पास कितने आमाल हो, कितनी नेकियां हो, अंबार हो, बगैर अल्लाह ताला की रहमत के आप जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। यही बात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कही थी तो लोगों ने सवाल किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी बगैर अल्लाह ताला की रहमत के जन्नत में नहीं जा सकते? तो कहा कि हाँ, मैं भी नहीं जा सकता बगैर अल्लाह की रहमत के। और लानत का मतलब ही होता है अल्लाह की रहमत से दूरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसा मत कहो, है ना, ला तफ़अल या उमर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं उमर। فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اس کے دل میں ہے لیکن ویکنس ہے, وہ شراب اس کی کمزوری ہے, ہے نا۔ عبداللہ بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہے نا, اللہ ان سے راضی ہو, ہم دعا ہی کریں گے, یہ صحابی تھے, ہے نا۔ بعد میں انہوں نے شراب چھوڑی, لیکن اس وقت جو ہے ابھی چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے, اسلام میں داخل ہوئے تھے, نہیں چھوڑ پا رہے تھے, اس کی وجہ سے یہ غلطی ان سے جو ہے ہو جا رہی تھی۔ بہرحال تو قلعہ صاحب بھی فتح ہو گیا, یعنی کہ نتات کے دو قلعے بڑے بڑے فتح ہو گئے۔ ایک قلعہ کون؟ قلعہ نائن, دوسرا صاحب, صاحب قلعہ جو ہے فتح ہو گیا۔ اب جو ہے جو نشہ تھا اپنی طاقت کا یہود کو, وہ نشہ بہرحال اتر گیا, اور یہ لوگ جو ہے باقی بچی کچی جو طاقت ہے وہ ایک اور قلعے میں شفٹ کر دیے, اور مسلمان اس قلعے کی طرف جو ہے روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے والا, عمل کرنے والا بنائے اچھی باتوں پر۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے, اور صحیح اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ الرحمن الرحیم